पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारियों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नेटवर्क 10 के संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। हरि किशोर तिवारी ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग सरकार को मानना होगा, क्योंकि प्रदेश के लगभग 1.5 लाख कार्मिकों को ओपीएस का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं पुरानी पेंशन के साथ राज्य सरकार स्तर पर लंबित मांगों पर फिर से आंदोलन होगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और तमाम तरीके के अभियान चला रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी जी उनसे बात करेंगे। सर, पुरानी पेंशन को लेकर एक बार फिर आपका आंदोलन तेज होता हुआ दिखाई दे रहा, क्या वजह है कि अभी तक कई बार वार्ता भी हुई होगी, तमाम लोगों से मुलाकात भी हुई होगी, लेकिन अभी तक ये मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही हैं? देखिए, पहले भी हम लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं हड़दंता है, जब हमने पहले ही कह दिया। अभी देखा आपने, दिल्ली में हमारी 15 तारीख को बैठक भी हुई है हमारे नेताओं की, और केंद्र ने जो हमेशा मना करते थे कि हम नहीं इस पर विचार करेंगे, उन्होंने भी विचार करना शुरू किया। बैठकें अभी उससे पहले भी हुई, इलेक्शन से पहले, फिर इलेक्शन चूंकि आ गया इसलिए हम लोगों ने उसको बंद कर दिया था, उनके अनुरोध पर बंद किया था, लेकिन अब इलेक्शन समाप्त हो गया, हम लोगों ने फिर से उस बात को कही है और वो मीटिंग भी हमारी शुरू हुई है, लेकिन जहाँ तक जाना चाहिए जो सही बात है उसे नहीं सुनी जा रही है। कितने कर्मचारी होंगे जिनको इसका लाभ मिलने वाला है? ये लगभग 1.5 लाख कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें छोटे कर्मचारी ज़्यादा है जिनको अचानक भर्ती कर लिया जाता है और सही पदों पर भर्ती किया जाता है, रेगुलर नियमित पद जो होते हैं उन पर भर्ती किया जाता है, लेकिन सरकार की अकर्मण्यता और इनके लोगों की अकर्मण्यता के कारण, अधिकारियों के कारण, वो उनको रेगुलाइज नहीं करते हैं। वो 2005 के बाद, जबकि 2001 में आदेश हुआ, 97 में आदेश हुआ, उसके बाद भी रेगुलाइज नहीं किया, तो उन लोगों को पेंशन जोड़ के मिलनी चाहिए, पीछे के आधा 50% जोड़ के मिले, ऐसा आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट में है। हम लोग वही सब बात कर रहे हैं कि भाई पुरानी पेंशन तो मिलनी चाहिए पूरे प्रदेश के लोगों को, लेकिन अगर आप इसको पार्ट्स में निकाल रहे हैं तो पार्ट्स में ये दो पार्ट ऐसे थे जिसको एक उन्होंने माना बड़ी मुश्किल से, एक पार्ट ये भी है इसको मानना चाहिए, उसके बाद पुरानी पेंशन पे हमारी बैठकर चल रही है, उस पर भी हम लोग लड़ रहे हैं और वो भी हम लोग समझ रहे हैं कि बहुत जल्दी निकलेगा। जिस तरीके से चर्चा हो रही है, तमाम चीज़ें बातें आपने रखी होगी, उन्होंने भी कुछ बातें बताई होंगी, कहाँ पर ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक नहीं मानने के लिए तैयार है? नहीं, वो सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। आपने देखा है कि वो जो पैसा हमारा इकट्ठा हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ले जाती है, स्टेट का पैसा होता है जो हमारे खाते में पड़ता है, हमारे तनख्वाह का काटा हुआ पैसा होता है जो खाते में पड़ता है, उसके बाद 24% रुपया हमारा जो कि हजारों करोड़ रुपया होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खाते में ले जाती है, उसको बंदर बांट करके अपने लोगों को दे देती है शेयर मार्केट में। वो शेयर मार्केट को हम लोगों ने पकड़ा भी था, वो था एक एल एन टी का था, और उसमें जो INFS का था, INFS में हम लोगों ने देखा था कि उसमें 7-8 बार वो डिफॉल्टर हुई कंपनी, हजारों करोड़ रुपया हमारा डूब गया, लेकिन उसको फिर से पैसा लगाया गया, तो इसे हम लोगों ने पकड़ लिया है। 10.5 हज़ार करोड़ रुपया सरकार ने नहीं डाला था, वो हम लोगों ने डलवाया था 2018 की हड़ताल में, तो इस तरह का जो चल रहा है इसके मारे हम लोग परेशान हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये एक आदमी हमारा कभी भी नहीं देख पाएगा जो रिटायर हुआ। ये थे हरिशंकर तिवारी, जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की। उनका साफ कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो भी रणनीति होगी वो आगे चलती रहेगी और बातों का सिलसिला अभी भी जारी है। दिलीप के साथ मेरे लाल चंद, नेटवर्क 10, लखनऊ।